गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का वीडियो है वो आगरा मथुरा वृंदावन सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने वृंदावन के जो फेमस टेंपल्स हैं वो कवर किए थे, और सेकंड हाफ में अब हम जा रहे हैं मथुरा, वो भी ऑटो से। मथुरा के साथ साथ हम लोग रमन रेती और गोकुल भी गए थे, तो ओवरऑल हमने ऑटो वाले को कितना पे किया वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। वैसे हमने ये सारी प्लेसेस ऑफ सीजन में कवर की थी, दिवाली के जस्ट पहले गए थे तो सभी जगह क्राउड काफी कम था, दैट वॉज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। लेकिन यदि आप एज अ सोलो ट्रैवलर या फिर फीमेल्स अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वृंदावन से मथुरा या फिर उसके आगे की जगह लेट नाइट ऑटो से अकेले जाएं। सबसे बेस्ट होगा कि आप मॉर्निंग के टाइम में ये सारी प्लेसेस कवर कर लीजिए, एंड इवनिंग में आप आराम से वृंदावन में लोकल घूम सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर रोड्स एकदम खाली थी और हम लोग बस भगवान का नाम लेते हुए पहुँच गए रमन रेती। यदि आपके पास ट्रिप में थोड़ा सा टाइम है तो आप रमन रेती ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग्स है यहाँ की। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर आश्रम बने हुए हैं और काफ़ी फेमस रिलीजियस गुरुज हैं, उनके आश्रम हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं इन्हीं आश्रमों में। और इन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में पहुँच गए हैं। और पास में ही ये गौशाला भी है। तो रमन रेती बेसिकली फेमस है इस जगह के लिए, तो यहाँ पर ही काफ़ी सारी रेत है और कहते हैं कि ये जो रेत है इस पर आप लेट भी जाएंगे तो भी वो स्टिक नहीं होगी आपकी बॉडी से। और माना जाता है कि यहाँ पर जब कृष्ण भगवान छोटे थे, अपने बाल रूप में थे, तो इसी रेत पर खेला करते थे। रमन रेती में ही सामने की तरफ एक आर्टिफिशियल हैबिटेट काइंड ऑफ बनाया गया है, यहाँ पर काफी सारे डियर्स और कुछ ऑस्ट्रिच और बर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगी। रमन रेती के बाद हम लोग आ गए गोकुल, और गोकुल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एकदम खाली था। तो ऑटो से उतरते से ही हमें एक गाइड ने अप्रोच किया, तो यहाँ पर गाइड की ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ही इंटेलिजेंटली डिसीजन लें। और हमारा जो कन्वर्सेशन रहा गाइड के साथ कुछ खास नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको बीच में ही ड्रॉप ऑफ कर दिया और हम लोग डायरेक्टली यहाँ का जो मेन टेम्पल है वो विजिट करने चले गए। और यदि आप हमारी तरह ऑफ सीजन में आते हैं, भीड़ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि एज अ सोलो ट्रैवलर और एज अ फीमेल ट्रैवलर आप यहाँ पर अकेले घूमने आए। हमारे जो गाइड थे वो हमें एक ऐसे रास्ते से लेकर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे जहाँ पर कोई प्रॉपर रास्ता ही नहीं था, और वहाँ की जो सराउंडिंग्स थी इतनी ज़्यादा डर्टी थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम किसी टेंपल विजिट करने जा रहे हैं। फिर हम लोग को एकदम से क्लिक हुआ कि हमें आगे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, और फिर हमने अपने गाइड को क्लियरली अपने साथ आने के लिए मना कर दिया। और आसपास के लोगों से हम लोग पूछते हुए पहुँच गए श्री नंद यशोदा भवन। भैया यहाँ पे मेन मंदिर किधर है? अंधेरी गली में से लेके जा रहा था, अंधेरी गली में से लेके जा रहा, मैं गलत बता रहा हूँ। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है मेन एरिया का। बस भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से मथुरा।
मथुरा में हम सिर्फ एक ही मंदिर जा पाए क्योंकि काफी लेट हो गया था। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जन्मस्थल। तो ये जो मंदिर है ये तो आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी कि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अपनी क्लॉक रूम में जमा करनी पड़ती है जाने से पहले। और आप यहाँ पर जो भी अपनी बिलोंगिंग्स रखते हैं आपको उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, एक नॉमिनल अमाउंट भी पे करना होता है। यहाँ पर मोबाइल या फिर पर्स तक अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया अंदर से। लेकिन अंदर ये मंदिर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर कंस की वही जेल है जहाँ पर श्री कृष्ण का बर्थ हुआ था। इस जगह की जो वाइब है वो इतनी ज़्यादा पीसफुल है कि आप उनको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर मैं यही कहूँगी कि मथुरा आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर बिल्कुल दर्शन करिएगा। तो बस ऐसे ही भगवान का नाम लेते लेते हम लोग वापस सेफली पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन पहुंचते से ही हम लोग को लगी थी काफी ज्यादा भूख, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर ही रास्ते में ढाबा मिला हमें। तो ओवरऑल यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा, हाइजीन वाइज इट वाज एवरेज। खाने में हम लोगों ने मंगाई थी यहाँ पर सेव टमाटर की सब्जी, दाल फ्राई एंड रोटी। और बस खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए अपनी धर्मशाला। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन मेक श्योर यू गिव थम्स अप टू दिस video, subscribe to my channel, press the bell icon to get all the future notifications and updates. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye and take care.